बिना वीजा और पासपोर्ट के देश में दाखिल होने के बाद पिछले 6 महीने से शहर के कल्याणपुर इलाके में रह रही बांग्लादेशी युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कानपुर पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला बांग्लादेशी है जो अवैध रूप से भारत में रह रही थी। वो 6 महीने पहले ही भारत की सीमा में घुसी थी, तब से नाम बदलकर कानपुर में रह रही थी। इस मामले की जानकारी केंद्रीय एजेंसी को भी दे दी गई। कल्याणपुर थाना पुलिस ने बताया कि एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया है जो बिना पासपोर्ट और वीजा के यहाँ पर रह रही थी। इसके साथ ही कोलकाता और दिल्ली निवासी 2 और महिलाओं का भी इसमें हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि ये 2 महिलाएं भी उनके साथ रह रही थी। इन्होंने बांग्लादेशी महिला को आश्रय दिया था और घर का काम करवाती थी। बांग्लादेशी महिला का नाम नजमा है। वो पूजा बनकर 6 महीने पहले कानपुर में आई थी। पुलिस आयुक्त कल्याणपुर के मुताबिक संबंधित एजेंसी को इस मामले की जानकारी दे दी गई है। जांच पड़ताल भी की जा रही है। 2 महिलाओं को बांग्लादेशी नागरिक के रखने के अपराध में गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं थाना कल्याणपुर पर सूचना मिली कि एक महिला जो बांग्लादेश की रहने वाली है, जो 2 महिलाओं के साथ किराए के मकान में कश्यप नगर में निवास करती है और कहीं जाने वाली थी। सूचना पर स्थानीय पुलिस ने चेकिंग करते हुए इन महिलाओं को, जो 12 सिरोही नहर के पास कहीं जाने के लिए खड़ी हुई थी, पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो बताया गया कि कुमिला जिले की निवासी हैं और पिछले 4 से 6 महीने पहले से ये भारत में रह रही हैं। वहीं पासपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं दे पाई। बताया गया कि गैर कानूनी तरीके से भारत में आई हुई हैं। ये प्रकरण में पुलिस द्वारा थाना कल्याणपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य एजेंसियों को भी जानकारी दे दी गई। पूछताछ में ये भी पता चला कि दीना नाम की महिला पति को छोड़कर काफी समय पहले कानपुर आ गई थी। यहीं उसकी मुलाकात ज्योति से हुई। इसके बाद दोनों साथ रहकर घरों में काम करने लगे। रीना ने बताया कि कुछ समय पहले नजमा उन्हें सड़क पर टहलते हुए मिली, क्योंकि वो बंगाल की रहने वाली है। ऐसे में बंगाली भाषा में बात करके नजमा के बारे में जानकारी करके उसे आसरा दे दिया गया। फिलहाल पुलिस को ये कहानी पच नहीं रही है, इसलिए तीनों के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। आज सुबह कल्याणपुर पुलिस थाने को यह सूचना मिली कि एक महिला जो बांग्लादेश की रहने वाली है और 2 महिलाओं के साथ यही किराए के मकान पर कश्यप नगर में निवास करती है, वह कहीं जाने वाली है। इस सूचना पर तत्काल ही जो स्थानीय पुलिस है, महिला पुलिस बल के साथ चेकिंग पे लग गई और 3 महिलाएं जो 12 सिरोही नहर के पास जाने के लिए खड़ी थी, उनसे महिला पुलिस के साथ जाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसमें से 2 महिलाएं थी जो इन्होंने अपना नाम ज्योति और रीना बताया। तीसरी महिला जिन्होंने अपना नाम पूजा बताया और उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने, पूजा ने अपना नाम नाजमा बताया और यह बताया कि वह पिछले 4 से 6 महीने से भारत में रह रही हैं और यह बांग्लादेश की रहने वाली है। उन्होंने यह भी बताया कि वो बांग्लादेश में कोमिला जिले की रहने वाली है और यहाँ पर ये इन महिलाओं ने, जो ज्योति और रीना जिनका नाम है, इन्होंने इनको प्रश्रय दे रखा था और ये घरेलू काम वगैरह इनसे करवाती थी। इनसे जब पासपोर्ट के बारे में पूछा गया तो ये कोई जवाब नहीं दे सकी और इन्होंने बताया कि ये इलीगल रूप से भारत में आई हुई है। इस अपराध पर, इस पे अभियोग कल्याणपुर पर पंजीकृत किया गया है और इनमें जो ये 2 महिलाएं हैं, जिनको प्रश्रयदाता के रूप में, इसमें सहयोगी के रूप में, इनको भी आरोपी बनाया गया है। इसमें जो अन्य एजेंसी हैं उनको पुलिस के द्वारा सूचना दे दी गई है और जो विवेचनात्मक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। बहरहाल भारत में अवैध तरीके से रहने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बांग्लादेश के कई नागरिक ऐसे बिना बताए भारत में अवैध तरीके से छिपते रहे हैं। कई बार ये घुसपैठिए तक साबित हुए हैं। फिलहाल अब ये मामला पुलिस संज्ञान में है और आगे की पुलिस कार्रवाई में अब जुट चुकी है। आगे मामले में क्या होता है ये देखना होगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ और भारत डिजिटल। नमस्कार।